हेलो स्टूडेंट, मैं नवीन तिवारी मल्टीपर्पज यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आजकल क्लास ट्वेल्थ की मैथ्स फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन की वीडियो बनाई जा रही है। हम अभी रिलेशन एंड फंक्शन में हैं, दो दो क्वेश्चन करके हम बनाते हैं ज्यादा, क्योंकि टाइम मिल नहीं पाता है। हमारा आज क्वेश्चन चल रहा है नाइन्थ क्वेश्चन, एट्थ तक मैंने अपलोड कर दिए, आप क्वेश्चन नंबर नाइन्थ देखिए। ये रिलेशन एंड फंक्शन वाला जो चैप्टर बहुत कंफ्यूजन वाला चैप्टर है, इसलिए इसके दो दो तीन तीन क्वेश्चन करके आप लोग बनाएंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। ये बिल्कुल एक ही चीज पे डिपेंड है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और इक्विवेलेंस। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और इक्विवेलेंस को जो है आप अपने दिमाग पे बैठा लीजिए, आप इसको किसी भी प्रकार का क्वेश्चन इसका आप इजिली कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर नाइन्थ देखिए क्या है। सो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ए, ये सेट ए से एक रिलेशन बन रहा है आर, ये सेट ए है, एक्स बिलोंग्स टू जेड सच दैट जीरो लेस इक्वल एक्स लेस इक्वल 12, जो एक्स की वैल्यू है वो जीरो और 12, जीरो से 12 भी, जीरो और 12 भी इसमें शामिल होगा क्योंकि इक्वल भी लगा हुआ है, ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन 12 तक, तो इसमें एक्स ये रहेगा आपका। गिवन बाय फर्स्ट आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए मॉड ऑफ ए माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4। तो यहां पर इसका रिलेशन देखिए, जो इस सेट से इस प्रकार के रिलेशन आपको बनाने हैं। पहले सेट आपका ये है, इस सेट से ऐसे रिलेशन बनाने हैं, R is equal to a comma b such that mod of a minus b is a multiple of 4। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप ये करिए, सेट लिखिए आंसर, जो आपको सेट दिया हुआ है a is equal to, हमें दिया हुआ है x belongs to z, z integers को belong करता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन 12 एंड सो ऑन 12 तक आपका आ जाएगा। ये आपका एक सेट रहेगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन 12 तक। इससे आपको इस रिलेशन को, जो यहाँ पर रिलेशन आपका ये दे रखा है, पर्टिकुलर कंडीशन ये दे रखी है, इससे आपको इस प्रकार के सेट बनाने हैं, a कॉमा b सच दैट मॉड ऑफ a माइनस b जो मल्टीपल ऑफ 4, इनको लेके। तो यहाँ पर क्या क्या रिलेशन इसके बनेंगे ये देखते हैं। मोड ऑफ ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। मल्टीपल ऑफ 4 कहने का मतलब है जो 4 × 1 इज इक्वल टू 4, 4 × 2 इज इक्वल टू 4 एंड 4 × 3 इज इक्वल टू 12, सॉरी 4 × 2 इज इक्वल टू 8 एंड 4 × 4 इज इक्वल टू 16। दिस इज द मल्टीपल ऑफ 4 जो 4 से डिवाइड होते हैं। इसमें एक ये भी आएगा, 4 × 0 लिखा जाता है क्योंकि 0 से किसी को मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही हो जाता है, 4 × 0 = 0, 0 इज ऑल्सो इज द मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। तो 4 × 0 = 0, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8 एंड ऐसे यहाँ पर 4 के बहुत सारे मल्टीपल यहाँ पर बन जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 तक आपको बनाने हैं, ठीक है। तो 12 तक आपको बनाने। अब इसमें a माइनस बी, मॉड ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू जो है इज मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए। तो मल्टीपल ऑफ 4 के लिए आप देखिए क्या लेंगे, क्या क्या इसमें बन सकते हैं रिलेशन। एक तो बनेगा आपका 1, 1, क्योंकि 1, 1 करेंगे तो 1 − 1 0, 0 इज द मल्टीपल ऑफ 4, 0 इज द मल्टीपल ऑफ 4। दूसरा आपका बन जाएगा डिफरेंस, इनका डिफरेंस जो है 4 का मल्टीपल होना चाहिए ए माइनस बी का। दूसरा बना लेते 1, 5, अगर 1, 5 करेंगे तो 4 और 4 से 4 डिवाइड होता है, ठीक है। एंड दूसरा 5, 1 भी हो जाएगा। उसके अलावा आपका आ जाएगा 2, 6 एंड 6, 2, ऐसी बहुत सारे पेयर यहां पर बन सकते हैं। उसके अलावा 2, 2 एंड 2, 6 ये तो बना दिया, 2, 8 एंड 2, 10 एंड 10, 2 एंड 8, 2, तो बहुत सारे आप जैसी 3, 3 ऐसी 4, 4 बहुत सारे आप
मल्टीपल ऑफ 4 के यहाँ पर पेयर बना सकते हैं जिनका डिफरेंस जो है 4 से डिवाइड हो, जो डिफरेंस जो है 4 से डिवाइड होना चाहिए। 5 माइनस 1 4 4 से डिवाइड हो जाएगा, 5 6 माइनस 2 4 4 से डिवाइड हो जाएगा, 6 माइनस ये तो आएगा, 8 माइनस 2 आपका आ गया, सॉरी यहाँ पर गलत हो गया, 8 में से 2 माइनस करेंगे तो 6 आएगा, ये नहीं बनेगा, ये पेयर गलत हो गया, ये वाला पेयर नहीं बनेगा आपका, 2.2 के बाद बनेगा आपका 2.6, तो हमने बना ही दिया, और 4.8 बना देते हैं, 4.8 एंड 8.4 देख ली सब कुछ, 10 माइनस 2 8 डिवाइडेड बाय 4, 8 माइनस 2 ये भी गलत है, दिस इज रॉन्ग पेयर, ये पेयर भी सही नहीं है, माइनस करके आपका जो है क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए, 5 माइनस 1 ये सही है, 4 4 4, 8 माइनस 4 4 4 इज डिविजिबल बाय 4, 2 माइनस 10 8 डिविजिबल 10 एंड 2 एंड यहां पर बन जाएगा आपका 3.7, पहले तो 3.3 ये तो बनेगा ही बनेगा, 3.3 एंड 3.7 7.3, इस प्रकार से आप बहुत सारे पेयर इसके बनेंगे, उतने सारे पेयर बनाने की आवश्यकता नहीं है। अब इसको चेक करते हैं कि फर्स्ट ये जो रिलेशन है, फर्स्ट रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं, जैसे कि आपको रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, रिफ्लेक्सिव में 1.1 यहां से करते हैं फर्स्ट रिफ्लेक्सिव, इफ 1.1 2.2 एंड 3.3 बिलोंग्स टू आर, देन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, क्या 1.1 2.2 3.3 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यस, 1.1 2.2 3.3 4.4 भी आएगा, 5.5 भी आएगा, वो सब शो करने की आवश्यकता नहीं है, बस आप दो चार शो करिए, वो तो होना ही है, 1.1 2.2 3.3 बिलोंग्स टू आर, सो दिस इज रिफ्लेक्सिव, जैसे कि आपको रिफ्लेक्सिव की कंडीशन होती है कि सेम एलिमेंट उसमें होने चाहिए, सेट में क्या होने चाहिए, सेम एलिमेंट होने चाहिए, डोमेन और रेंज जो है सेम होना चाहिए, वो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव की कंडीशन होती है, स्पेस की क्लासा शॉर्टेज है। सेकंड आप देखिए सिमेट्रिक चेक करते हैं, इसको सिमेट्रिक के लिए क्या होता है पता है, सिमेट्रिक के लिए आपको सिमेट्रिक, एक सिमेट्रिक उसमें होनी चाहिए, जैसे 1.2 बिलोंग्स टू आर, देन 2.1 बिलोंग्स टू आर, अगर 1.2 आर में है तो 2 और 1 इनके ऐसे भी यहाँ पर आर में होनी चाहिए, चेक कर लीजिए कहीं पर, तो 1.2 में तो यहाँ पर हम चेक नहीं करेंगे क्योंकि 1 और 2 यहाँ पर डिविजिबल बाय 4 है नहीं, हम यहाँ पर और एलिमेंट देखते हैं, 1 और 5 ले लेते हैं, 1.5 बिलोंग्स टू आर एंड 5.1 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, सो इट इज सिमेट्रिक, इट इज सिमेट्रिक, बहुत सब में चेक करने की आवश्यकता नहीं है, बस एक आप दिखाइए एग्जाम्पल के, तो 1551 वैसे भी 2662 ठीक है, 4884 2.10 10.2 तो सभी में कंडीशन मिल जाएगी, इसके तो बहुत सारे पेयर बनेंगे, इतने पेयर बनाने की भी आवश्यकता नहीं है, सो ये क्या है सिमेट्रिक भी है। अब थर्ड वन है आपका ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव की जो कंडीशन होती है इस प्रकार की कंडीशन हम ट्रांजिटिव में कहते हैं, ट्रांजिटिव कंडीशन आप अपने दिमाग में बैठाए रखिए, क्वेश्चन बहुत आसान है, a कॉमा b बिलोंग्स टू r एंड b कॉमा c बिलोंग्स टू r, देन a कॉमा c बिलोंग्स टू r, ये सेम होना चाहिए ठीक है, a कॉमा b बिलोंग्स टू r, b कॉमा c बिलोंग्स टू r, देन a कॉमा c बिलोंग्स टू r, चलिए चेक करते हैं, चलिए कोई भी पेयर आप ले लो, इसी को ले लेते हैं, 1.1 बिलोंग्स टू r राइट, एंड a कॉमा b, b कॉमा c, 1.5 belongs to R, अब क्या होना चाहिए, ए बी बी सी ए सी 1.1 ए सी मतलब 1.1 ठीक है, 1.1 belongs to R, ये दो सेम होंगे तो ये और ये आता है, ए सी ए सी, तो यहां पर ए सी ये हो गया, 1.1 belongs to R, so it is transitive, तो यहां पर जो है ये क्वेश्चन तीनों ही यहां पर सिमेट्रिक
रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव को की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। जब कोई रिलेशन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो इस प्रकार का रिलेशन जो है इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। सो दिस रिलेशन इज सेटिस्फाई रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन जैसे कि वी नो दैट यदि कोई रिलेशन तीनों ही यहां पर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव को सेटिस्फाई करता है तो इस प्रकार का रिलेशन क्या कहलाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। तो दिस टाइप ऑफ रिलेशंस आर कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए, अगर इसके सेकंड पार्ट में यहां पर देखिए, ए तो इसी प्रकार से का सेट है, यही पार्ट है, ए कॉमा बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ए कॉमा बी इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ए कॉमा बी यहां पर इक्वल टू बी है तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए यहां पर पहले इसके सेट रिलेशन बनाइए। इसके रिलेशन आपके क्या क्या बनेंगे, ए और बी इक्वल होने चाहिए। तो ए और बी को इक्वल के लिए एक तो आपका आ जाएगा 1,1। अब इसके एलिमेंट यहां पर कुछ इसमें से कुछ सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। इतने सारे पेयर बनाएंगे तो बहुत आपको कंफ्यूजन होगा, तो यहां पर कोई भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं। हमने सेलेक्ट कर लिया 0,1,2 सेलेक्ट कर लिया, सपोज दैट एक सेट ले लिया 0.let ए इज इक्वल टू हमने ये मान लिया, ठीक है। अब ए का ए से रिलेशन हमने बनाया, इसका हमने रिलेशन इसमें बनाया जो आर हुआ, तो जीरो का जीरो से रिलेशन हो सकता है, जीरो का वन से रिलेशन हो सकता है, जीरो कॉमा जीरो एंड जीरो कॉमा वन एंड जीरो कॉमा टू, कोई भी तीन या चार इसमें से ले लीजिए एलिमेंट और उसके हिसाब से उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करिए, उससे आपको बहुत आसानी पड़ेगी। क्योंकि सारे ही यदि आप बनाएंगे पेयर तो बहुत कंफ्यूजन होगा, हॉजपॉज हो जाएगा सारा। 0,1, 0,2 एंड 1,1, 1,0 सॉरी 1,0 एंड 1,1, 1,2 एंड 2,0, 2,1 एंड 2,2। तो इस प्रकार से कुछ मैंने यहां पर इसके पेयर a इज इक्वल टू b इस वाली कंडीशन के लिए बना दिए हैं। फर्स्ट यहां पर देखते हैं क्या 0,0, 1,1 एंड 2,2 बिलोंग्स टू R, सेम एलिमेंट यहां पर रिलेशन में अवेलेबल है। सो दिस इज इक्विवेलेंस, दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन, ये इक्विवेलेंस रिलेशन। दूसरा देखिए सिमेट्रिक का आपका यहां पर क्या होता है, अगर 0,2 है तो 2,0 भी होना चाहिए। 0,2 belongs to R and 2,0 is also belongs to R. 0,2 है तो उसका रिवर्स 2,0 भी होना चाहिए। जैसे 2,1 है तो 1,2 भी होना चाहिए, 2,1 है तो 1,2 भी है, ठीक है। तो इस टाइप का रिलेशन क्या कहलाता है आपका, सिमेट्रिक। सो इट इज सिमेट्रिक। एंड थर्ड वन में जो हमारा ट्रांजिटिव होता है ए बी बी सी एंड ए सी, चलिए चेक करते हैं। ए बी में यहां पर ले लेते हैं, चलो इसी को देख लेते हैं। 0,1 belongs to R, ए बी एंड बी सी में ले लेते हैं 1,2 belongs to R, ए बी बी सी ये दोनों सेम होने चाहिए। देन ए सी क्या 0,2 belongs to R है, यस 0,1 belongs to R है, 0,1 belongs to R and 1,2 belongs to R, 1,2 belongs to R and 0,2 belongs to R, yes 0,2 belongs to R, it is symmetric।
इट इज सॉरी ट्रांजिटिव, इट इज ट्रांजिटिव। तो ये जो रिलेशन है तीनों प्रकार की कंडीशंस को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। जब कोई रिलेशन तीनों प्रकार की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो इस प्रकार का रिलेशन क्या कहलाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। सो दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन, दिस इज इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस रिलेशन कुछ नहीं है, जो तीनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई करे, ऐसा रिलेशन जो तीनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई करे, तीन कंडीशन होता है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव को सेटिस्फाई करेगा, तीनों ही जो होगा वो इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। ठीक है, ये तीनों प्रकार की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब इसमें देखते हैं, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू वन इन ईच केस। ये जितने भी सारे इसके केस बन रहे हैं, ठीक, कौन कौन से जो एलिमेंट है वो वन से रिलेटेड है। अब ये आप खुद ही इसमें सेलेक्ट कर लेना कि जो भी यहां पर जिसमें वन होगा वो वन से यहां पर रिलेटेड कहलाएगा। पहले इसमें देखते हैं, जैसे वन से रिलेटेड आपका आ जाएगा तुम्हारा, ये तो मैंने सेट ही गायब कर दिया शायद। चलिए पहले सेट बनाते हैं, इसके सेट देखिए क्या क्या बन सकते हैं। ये इसके लिख लेते हैं, एक तो इसमें 0,1 है जिसमें वन होना चाहिए, 1,0, चलो वो तो एक ही है, एंड 1,1, 1,1 एंड 1,2, मतलब ऐसे एलिमेंट इसमें से आपको छांटने हैं, फाइंड द सेट, उसके सेट लिखने हैं ऑफ एलिमेंट रिलेटेड टू वन जिसमें वन होना चाहिए पक्का, एनी हाउ किसी भी हालत में उसमें वन होना चाहिए। 2,1 ये तो सेकंड वाले से हमने सेलेक्ट करे, और फर्स्ट वाले से आपका आ जाएगा 1,5, 5,1 and 1,9, 9,1 and 1,5, ये तो हो गया 1,7, 8, 9, 10, 11। उसके अलावा और क्या आएगा इसमें, डिविजिबल बाय 4 में 1 आना चाहिए। तो इस प्रकार से आप इसके एलिमेंट बना सकते हो, सकता है इसमें 2-4 नहीं भी हो सकते हैं, आप इसमें सेलेक्ट करके देखिए जितने भी सेट बनेंगे उन सेट में 1 होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर क्वेश्चन मिलते रहेंगे, देखते रहिए मल्टीपर्पज यूट्यूब चैनल, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, एक दूसरे में एक एक दो दो क्वेश्चन करके हम इसके सारे क्वेश्चन डालते रहेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।